मंच पर बैठी हुई तीन दादिया दादी प्रकाशमनी दादी गुलजार और दादी जानकी में से किसी डबल विदेशी ने गुलजार दादी से पूछा कि आप तीनों में से बड़ा कौन है गुलजार दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया हाइट में मैं बड़ी हूँ उम्र में दादी जान की बड़ी है और औदे में दादी प्रकाशमुनी बड़ी है पर उत्तर केवल वहीं खत्म नहीं होता उत्तर उससे भी गहरा है वो हाइट शरीर की हाइट नहीं स्थिति की हाइट है वो उम्र शरीर की उम्र नहीं स्थिति की उम्र है वो औहदा शरीर का पद का नहीं परंतु स्थिति का औहदा है जिसकी स्थिति की हाइट ऊंची है वो बड़ा है और जिसकी स्थिति की उम्र बड़ी है वो बड़ा है और जिसका जिसकी स्थिति का औहदा बड़ा है वो बड़ा है बड़ा कौन जिसकी स्थिति बड़ी वो बड़ा आगे कौन जिसकी स्थिति आगे वो आगे खेल स्थिति पर है निर्भर जैसे युद्ध का कोई हाथी संग्राम करते हुए आगे बढ़ते जाता है तीरों को सहते हुए किसी देश की रानी थी कुरु देश की जो बुद्ध की बहुत विरोधी थी और जब उसे पता चला कि बुद्ध उसके कुरुदेश में प्रवेश करने वाला है उसने अपने सभी कर्मचारियों से कहा कि जाओ और उनकी बहुत निंदा करो और जैसे ही बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ नगर द्वार पर आए वो लोगों ने निंदा करना चालू की मूर्ख हो गधे हो चंडाल हो कामचोर हो वगैरह वगैरह आनंद से ये सहानी किया आनंद ने कहा बुद्ध से कि हम यहां से चले जाते हैं ये लोग अपशब्द कह रहे हैं बुद्ध ने कहा कहाँ जाए आनंद ने कहा कहीं और जहाँ लोग अपशब्द ना बोले बुद्ध ने कहा यदि वहां पर भी लोग अपशब्द बोले तो फिर क्या करोगे तो फिर कहीं और कहीं और तो कहते हैं जहाँ शब्दों की वर्षा हो रही है उस स्थान को तब तक न छोड़ो जब तक वहाँ शांति स्थापित न कर दो तुमने देखा होगा आनंद में उस हाथी की तरह हूँ जो संग्राम का हाथी है जो युद्ध का हाथी है जो आगे बढ़ते जाता है तीरों को सहते हुए जाता है जो डरता नहीं है तीरों से वही ऊंचा है जो सहता है और सामना करता है इस मुरली में बाबा ने इन दो शक्तियों का वर्णन किया है और कई बार सारी शक्तियों को एक साथ हमें यूज करना होता है किसी और मुरली में बाबा ने कहा था जैसे पुरानी कहानियों में ताली बजाते हैं और परी प्रकट हो जाती है वैसे ही तुम शक्तियों का आह्वान करो तुम ताली बजाओ और शक्तियाँ प्रकट हो जाए शक्तियां कर्तव्य में आ जाए शक्तियां कार्य में आ जाए शक्तियां स्वरूप बन जाए एक शक्ति नहीं सर्वशक्तिवान सारी शक्तियाँ प्रकट हो जाए और आज विशेष इस मुरली में बाबा ने कहा दो शक्तियां सामना और सहन करना कुछ संडे पिछले संडे के पिछले संडे के पिछले संडे एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा था चार कोने होते हैं उसमें तीन मजबूत है तुम्हारे चौथा कमजोर है कौन सा दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प अर्थात वो नहीं करके दिखाएंगे कर लूंगा दृढ़ संकल्प की परिभाषा उस मूल्य में कुछ और थी सहन करना पड़ेगा सामना करना पड़ेगा झुकना पड़ेगा मुड़ना पड़ेगा मरना पड़ेगा तो भी पीछे नहीं हटेंगे ये है दृढ़ता ये है चौथा कोना सहना पड़ेगा और सामना करना पड़ेगा ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डर ना स्थान बदलेगा ना व्यक्ति बदलेंगे ना परिस्थिति बदलेगी ना सेंटर बदलेगा ना डिपार्टमेंट ना सीनियर बदलेंगे ना साथी ना जूनियर ना परिस्थितियाँ तुम्हें ही बदलना होगा उसी मुरली में कहा था तो आज की अव्यक्तवाणी दो हजार एक वर्ष चालू हुआ है अठारह जनवरी का दिन है शांतिवन डायमंड हॉल में मुरली चल रही है विदेशी आए हैं सभा बहुत बड़ी सभा है माताएं हैं बहुत बड़ी संख्या में कौन है वो इस यूनिवर्सिटी की विशेषता और ऐसी सभा में बाबा आ रहे सोचो वो अठारह जनवरी का दिन कैसा होता है सेंटरों पर क्या होता है मधुबन में क्या होता है कुटिया में क्या होता है शांति स्तंभ पर क्या होता है हिस्ट्री हॉल में क्या होता है बाबा के कमरे में क्या होता है मधुबन का वो कौन सा दृश्य है शांति वन का कैसा दृश्य होता है डायमंड हॉल का सुबह का क्या दृश्य होता है अमृत वेले का क्या दृश्य होता है दिन भर का क्या दृश्य होता है शाम का क्या दृश्य होता है घर में जो और गृहस्थ में जो रहते हैं और जो गीता पाठशालाएं चलाते उनकी क्या अवस्था होती है और वहां कैसा दृश्य होता है और सेंटर्स का क्या दृश्य होता है ये वो दिवस है कोई भी मुरली पढ़ने से पहले पहले ये देख लेना तारीख कौन सी है किस कालखंड में ये चल रही है कौन सा वो दृश्य होगा कैसे वो लोग होंगे कौन बैठे हैं संगम भवन वाले बैठे हैं सामने डबल फॉरेनर्स बैठे हैं माताएं बैठी है टीचर्स बैठे हैं पांडव बैठे मधुबन निवासी बैठे हैं कहाँ बैठे कैसी सभा है कौन सी सभा है सबने मुरली सुनी है सबने मुरली पढ़ी है और सबने थोड़ा बहुत चिंतन भी किया होगा पर इस यज्ञ के हर आत्मा की विशेषता यह है कि हरेक का चिंतन भिन्न है और यहां पर हरेक को हरेक से सीखना है कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैंने किया ये मेरा चिंतन है स्लोगन क्या है प्रभु प्रसाद परमात्मा देन परमात्मा शक्तियां दादियों को अनुभव सुनाते हमने देखा है कि जो हमने सेवा उस समय की जो शुरुआत में हमने सेवा की अब अगर हमको कहा जाए तो शायद हम, हम अब ना कर पाएंगे क्योंकि उस समय एक शक्ति चल रही थी बाबा जाते जाते विल कर गया शक्तियों को इसलिए निकल पड़ गई पड़ी थी सब कुछ पता नहीं कहाँ जाना है क्या जाना है पैसे नहीं कुछ नहीं कहाँ रुकना है कहाँ जाना है किसके घर जाना है ट्रेन के टिकट के अलावा कुछ भी नहीं था उनके पास अ जंप इन टू दी अनोन और यही अध्यात्म है जिसमें कल की कोई चिंता नहीं एक निश्चय एक विश्वास इसी मुरली में कहा एक सेकंड में निश्चय किया ना कोर्स को तो सात दिन लगाए पर निश्चय कितने टाइम में हुआ एक सेकंड में ऐसा संपूर्ण निश्चय ऐसा संपूर्ण विश्वास ये जीवन समर्पित किसके लिए किया है किसके प्रति किया है किसी देहधारी के प्रति नहीं इसलिए हमारी निष्ठा हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास हमारा बल हमारा भरोसा हमारा समर्पण देहधारी के प्रति नहीं है उस विराट के प्रति है उस अनंत के प्रति है तो अठारह जनवरी की मुरली है इसलिए इस मुरली से हम अठारह पॉइंट्स देखेंगे पॉइंट वन बाबा ने कहा तुम्हारे पास पॉइंट्स बहुत है तुम हो पॉइंट्स के सागर मैं हूं पॉइंटलेस सागर पहला माला माला तो बच्चों ने बाप को मालाएं पहनाई अमृत वेला कौन सी स्नेह की और याद की प्यार की और रिटर्न में बाबा ने क्या पहनाया बाबा ने भी मालाएं पहनाई कौन सी शक्तियों की और वरदानों की तो अमृत वेला विजुलाइज कि हम बाबा को माला पहना रहे और बाबा हमको माला पहना रहे हमने स्नेह और प्यार की याद की माला उसको पहनाई और उसने इन रिटर्न कौन सी माला हमको पहना दी शक्तियों की और वरदानों की और वरदान जब मिल जाता है भक्त होते हैं कितनी मेहनत करते हैं एक वरदान प्राप्त करने के लिए जो साधु संन्यासी योगी महात्मा तपस्वी राक्षस शास्त्रों में जो दिखा है कितनी मेहनत करते थे और हमें वरदान मिल रहा है सहज वरदान में मेहनत नहीं वरदान में मुश्किल नहीं बस एक ही मेहनत है अमृत वेला उठने की और वो भी तुम्हें कौन उठाता है परमात्मा प्यार का लाम उठाए प्रभु प्रेम तुमको उठाए वो स्थूल अलाम नहीं वो स्थूल घड़ी नहीं अपने आप आंख खुले यदि हम उस तरह की चाबी देकर सोते हैं तो स्वतः अपने आप तो फर्स्ट पॉइंट माला तो कल अमृत वेला क्या करेंगे माला पहना देना पहनाओगे इधर पहुंचेगी पोच, उधर उसके गले में परंतु दिल से पहला पहना पहनाना पड़ेगा कई बार कहानी सुनाई है सूफी कहानी सूफी संत जा रहा है देखता है एक बुढ़िया है घर के बाहर भगवान की एक मूर्ति है जो भी घर में कचरा होता है सुबह सुबह उस मूर्ति के ऊपर डाल देती है उसे इतना क्रोध आता है ये क्या कर रही हो तुम भगवान की मूर्ति के ऊपर घर का कचरा डालती हो ये कैसी भक्ति है वो कहती है मुझे तो बस इतना पता है मेरे पास जो भी है अच्छा है बुरा है मैं सब कुछ इसके ऊपर डाल देती हूँ कहते बहुत बुरा करती हो तुम ऐसा कहीं किसी शास्त्र में लिखा नहीं है कि घर का कचरा उठाकर भगवान की मूर्ति के ऊपर डालो लोग संसार में क्या क्या डालते है? फूल डालते हैं है? मालाएं है पहनाते है? हीरे मोती पहनाते दूध डालते है? तुम क्या कर रही हो कहती मेरा तो बस ऐसा ही है बहुत नाराज होता है सूफी संत जाता है सोता है स्वप्न में एक दृश्य देखता है और स्वप्न में देखता है वो भगवान के धाम में पहुंच गया है भगवान स्वयं सिंहासन पर विराजमान है सुबह का समय है अमृत वेला है और सुबह सुबह भगवान के सिर पर कचरा गिरता है भगवान कहता है ये माई कभी नहीं सुधरेगी पर सूफी संत तो वहीं बैठा रहता है शाम तक बैठा रहता है बस जो सुबह कचरे की टोकरी भगवान के सिर पर गिरी उसके बाद में कुछ भी नहीं गिरा दिन में सारे विश्व में सारे सृष्टि पर संसार के लोग मंदिरों में फूल मालाएं चढ़ा रहे वो कहाँ जा रहा है कुछ भी नहीं चढ़ रहा है कुछ भी नहीं गिर रहा है बस वो अनपढ़ माता की सुबह कचरा जो गिरा था बस गिरा उसके बाद में वो देखते रहता है कुछ मिष्ठान गिर जाए कुछ दूध गिर जाए कुछ और गिर जाए कुछ भी नहीं गिर रहा है शाम से को उसे रहा नहीं जाता है भगवान से पूछते हैं ये क्या भगवान कहता है जो उस माई ने चढ़ाया था बस वही चढ़ा और जो दूसरे लोगों ने चढ़ाया था उसमें समग्र समर्पण नहीं था समर्पित तो वो होता है जो समग्र है जो संपूर्ण है परिपूर्ण समर्पण तुम कहते हो हमने तन मन धन बाप को दिया। अब बाप तुमसे पूछते हैं तन पुराना वो दिया तुमने मन मैला और धन कौन सा काला ये तुमने दिया है और तुम कहते हो हमने तन मन धन दिया तुमने दिया क्या तन पुराना मन मैला और धन वो भी काला काला ये दिया है तुमने चढ़ता वो है जो समग्र है जो इंटीग्रेटेड सरेंडर है जो कंप्लीट सरेंडर है वो तो कल सुबह अमृत वेले क्या करोगे माला चढ़ा देना स्नेह की याद की वो रिटर्न में तुमको माला चढ़ा देगा पर इसलिए नहीं चढ़ाओ कि वो चढ़ाए अपनी डायरी में एक पॉइंट नोट करके रखो जिसको चाहो उससे कुछ ना चाहो जिसको चाहो उससे कुछ न चाहो अगर चाहा, तो वो प्यार छूटा है चाहे वो देहधारी क्यों ना हो जिसको चाहो उससे कुछ न चाहो पॉइंट नंबर टू गीत दिल के गीत बच्चों ने गाए याद और प्यार के बाप तक पहुंचे पहुंचता वो है जो दिल से निकलता है वाइब्रेशंस के रूप में वो पहुंचता है भाषा के रूप में नहीं पहुंचता है परमधाम में भाषा नहीं है परम धाम में शब्द ही नहीं है निशब्द धाम है वो वहां तो केवल सूक्ष्म तरंगे पहुंचती है जो शुद्ध तरंगे है जो निस्वार्थ तरंगे है जो पवित्रतम तरंगे है ऐसी तरंगे जो दिल से निकल रही है जो आर्त तरंगे है यह सौदा मुख का नहीं ये सौदा दिल का है इसलिए कोई विरले ही है ये जो सौदा करते हैं सब नहीं तो दूसरी बात दिल का गीत हमारे कितने सारे गीत हैं और बाबा का एक ही गीत है वाह बच्चे वाह बस और हमारे कितने हजारों गीत हैं हमारे सारे गीत एक तरफ और उसका एक ही गीत एक तरफ तो ये दूसरा तीसरा ताज चौथा तख्त पांचवा तिलक ताज जिम्मेदारी का ताज जैसे योद्धा होता है निरंतर अलर्ट रहता है वैसे ही रात को सोता है तो भी बंदूक बाजू में होती है अगर जरा सी आवाज आएगी तो सबसे पहले हाथ कहां जाता है बंदूक पर तुमने भी ताज पहन के रखा है कौन सा जिम्मेदारी का इसलिए चलते फिरते बीच बीच में चेक करना ताज ठीक है या गिरा कुछ भी करते रहो परंतु चेक क्या करते रहो ताज क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल सोल्स हो यू आर अकाउंटेबल तुम्हारी स्थिति नीचे गिरती है तो संसार की आत्माएं नीचे गिरती है तुम एक एक इंजन हो तुम्हारे पीछे विश्व की आत्माएं हैं तुम रुके तो वो रुकेंगे। तुम गिरो तो वो गिरेंगे। इसलिए स्थिति कैसी हो ऊंची चल अडोल ताज कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी तख्त बाबा ने कहा इस दुनिया का मंच तुमको दिया है सनशोज फादर सेवा का मंच का तख्त तुमको दिया ताज पोषी सनशोज फादर का ये दिन है बाप के वरदान देने का यह दिन है तो सेवा का तख्त तिलक सेवा में निमित्त तो बनने का तिलक तो ये पांच बातें पहला माला दूसरा गीत तीसरा चौथा पांचवा ताज तक तिलक छठवा सूक्ष्म वतन की एक सीन सीन नंबर वन सूक्ष्म वतन की दो सीन्स है इसमें पहली सीन में ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं बच्चों को शाबाश वाह बच्चे वाह और बच्चों का क्या हाल है गंगा जमुना सरस्वती भी है क्या बस गंगा जमुना है दो है तो वो बह रही है हम बहुत कोई अच्छा काम करें बहुत अच्छी कोई सेवा करें और जो निमित्त है उसके द्वारा यदि शाबाशी मिले तो कितनी खुशी होगी यदि भगवान का जो काम है उसमें हम हाथ बढ़ाएं तो कितनी खुशी होगी कोई विदेश की माता भारत आ रही थी बाबा मिलन में फ्लाइट से उतर रही थी किसने कहा तुम क्या करती हो उसने कहा वी हेल्प गॉड <laughs> दुनिया वाले गॉड से हेल्प मांगते हैं ये क्या कर रही है ये हेल्प गॉड भगवान को मदद करने वाली है वहां तो जो भगवान को मदद करता है उसके कार्य में मदद करता है ऐसी आत्माओं को भगवान भी शाबाशी देता है वाह बच्चे वाह ये सीन नंबर वन सूक्ष्मतन का इस सीन को अमृतवेला देखना है सूक्ष्म वतन में बाप दादा सम्मुख है और हमें क्या दे रहा है शबासी देगा उनको वो खुद ही अनुभव करेंगे हर सेवेंथ पॉइंट साकार दुनिया में इस दिन क्या होता है तो बाबा ने सेंटरों को देखा दुनिया को देखा वहाँ सब भी क्या था इसका ज़्यादा वर्णन नहीं है पर वो वर्णन हम चिंतन से या याद से स्मृति के आधार से बता सकते हैं सभी कि 18 जनवरी का दिन सुबह से लेके रात तक क्या क्या होता है सेंटर ऊपर क्या होता है गृहस्थ में क्या होता है यहाँ जब होता है यहाँ से सुबह दो बजे से पहले ही कुटिया भर जाती है जगह नहीं रहती है बिल्कुल भी जो कभी नहीं दिखते अचानक अठारह जनवरी के दिन प्रकट होते एकदम जो रोज कभी नहीं दिखते और वो प्रगट भी ऐसे होते हैं कि बाबा हम उठेंगे नहीं अब कुटिया से चाहे लोगों को भीड़ लग जाए कितना भी बुलाते रहे उठो 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 जब तक तुम वरदान नहीं दे देते मैं उठूंगी नहीं ध्रुव संकल्प चाहे कुछ भी हो जाए तुम हाथ रख दो इधर जब तक इधर हाथ नहीं रखोगे चाहे कोई पकड़ के उठा के ले जाए तो भी नहीं हिलूंगी इतनी भीड़ इतनी भीड़ डेढ़ बजे से सुबह पूरा शांति स्तंभ भरा हुआ फूलों से सजा हुआ परंतु एक चीज देखेंगे मान साइलेंस इतनी भीड़ में भी कोई आवाज नहीं जैसे सूक्ष्म वतन यहां प्रकट हो जाता है तो साकार दुनिया में भी एक तो वहां का दृश्य एक नीचे का दृश्य नीचे का दृश्य हम सब ने देखा है सबने अनुभव किया है सातवीं पॉइंट आठवी स्मृति यह स्मृति क्या है कौन सी चाबी गोल्डन चाबी यह स्मृति कौन सी है चाबी और एक शब्द है शक्तियों की चाबी सर्व शक्तियों की यह चाबी है स्मृति सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। बाबा ने कहा स्मृति से विस्मृति में ना आओ सीट से नीचे ना आओ समान से नीचे ना उतरो मुरली में तीन बातें हैं सीट से नीचे नहीं आओ सीट पर साक्षी की सीट पर बैठे रहो समान की सीट पर बैठे रहो तो समस्या तुम्हारे सीट के नीचे दबकर खत्म हो जाएगी अव्यक्त महावाक्य के इन्वर्टेड कॉमा। साक्षी की सीट पर रहो कोई एक बहन थी जिसके घर से इतना विरोध था इतना विरोध कन्या बहुत ज्यादा विरोध उसके मां बाप की तरफ से बहुत ज्यादा विरोध और फिर उस उन माँ बाप ने उस बहन को मतलब संस्था को बहुत गालियाँ और बहुत सहन करना पड़ा पर कुछ समय के बाद कुछ कुछ बहुत बहुत वर्षों के बाद वो माँ बाप भी ज्ञान में आ गए और फिर ब्रह्मा बाबा से उन माँ बाप ने पूछा कि जब हम ज्ञान में नहीं थे हमने आपको भी बहुत गालियाँ थी आप पर भी बहुत कलंक लगाए आप हमें माफ कर दो बाबा ने कहा बच्चे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं ड्रामा में उस समय तुम्हारा वो पार्ट था फुल स्टॉप कोई दुर्भावना नहीं है पश्चाताप करो माफी मांगो नथिंग ड्रामा में उस समय तुम्हारा विरोध करने का ही पार्ट था फुल स्टॉप अब उसका क्या चिंतन करे तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों बोला ऐसा क्यों कहा ये सब क्या है व्यर्थ साक्षी सीट पर स्थित है समान की सीट पर स्थित है स्मृति में स्थित है तो इस मुरली में स्मृति कौन सी मैं बाबा का बाबा मेरा बस ये एक ही स्मृति है ओनली वन स्मृति दैट्स इट और इन स्मृतियों से समर्थित स्वरूप बनो ये है महामंत्र इस मुरली में कहा वो आगे कहा है नाइन्थ पॉइंट एक सेकेंड में अधिकारी पक्का है, पक्का है पक्का है पक्का है तीन बार पूछा अधिकारी निश्चय कितना सेकेंड में एक सेकेंड में बस एक सेकेंड में निश्चय हो गया डन दैट्स इट यही सत्य है इसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है उसने जो ज्ञान सुनाया इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं यही संपूर्ण सत्य है एक सेकंड में निश्चय एक सेकंड में अधिकारी ऐसे अधिकारी बने हो टेंथ पॉइंट टेंथ एंड इलेवेंथ बाबा ने साफ को याद किया है कितने शीश वाला पांच वो शीश तो हमको बता दे काम क्रोध मोहंकार वो पांच विकारों वाला यहाँ एक नया सांप जिसके पांच शीश है पहला शीश प्रकृति दूसरा माया तीसरा स्वभाव संस्कार चौथा वायुमंडल और लास्ट ऊपर परिस्थिति कहा नीचे संगदोष कहा संगदोष इनके किधर बैठना है ऊपर भक्ति मार्ग में दिखाया है नाचता हुआ कृष्ण साप के ऊपर गले में साप शंकर और शेष शैया शे, पर लेटा हुआ विष्णु किसके यादगार है तीनों हमारे विष्णु अर्थात शांता कारम भुजक आंधी तूफान और सबके बीच में प्रशांत स्थिर एकाग्र सांप के ऊपर दूसरा बाबा ने कहा तपस्वी देव महादेव अशरीरी बनने वाला देव फरिश्ता तुम्हारा यादगार गले में सांप और फिर कृष्ण ये जो उसके पास शीश है इनके ऊपर तुम डांस करो वो तुम्हारे ऊपर डांस ना करे कौन कौन सबसे पहला प्रकृति प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी अभी जो है ये ना सोचना ये बारिश की हो रही है बारिश नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा ना होना चाहिए प्रकृति का अपना डिपार्टमेंट है वो चल रहा है अचल रडोल दूसरा माया विकार तीसरा इन सब से खतरनाक पांचों में से कौन है खुदी के संस्कार हर व्यक्ति अपने संस्कार शिकंजे में कैद है स्वभाव और शिकंजे में कैद है कैसे उससे छूटे आज सुबह भी चर्चा हो रही थी इस कैद से कैसे छूटे वो अपने आप काम करता है उसे लॉजिक की भाषा रीजनिंग की भाषा नहीं समझ में आती है ये श्रीमत है ये श्रीमत नहीं है उसे ये सब नहीं समझ आता है वो इतना गहरा है वो सबकॉन्शियस है जैसे कोई चादर है ठीक है नीचे बेड वो मैट्रेस है ऊपर चाय गिर गई या कुछ गिर गया तो दाग लग गया अगर उसको नहीं धोया जल्दी तो कहां जाएगा वो अंदर मैट्रेस में अगर जल्दी धो लिया तो नहीं जाएगा वो जो बेडशीट है वो है कॉन्शियस माइंड और वो जो मैट्रेस है वो है सब कॉन्शियस माइंड और यदि वो उस मैट्रेस में चला गया गद्दे में और उसको यदि धोना है तो बहुत मुश्किल है और वो भी उसमें लंबा समय रहा है और उसको वहां से हटाना है तो और मुश्किल है अभी अभी मुरली चली थी संडे में कुछ संस्कार है जो पानी पर लकीर है कुछ संस्कार है जो स्लेट और कुछ संस्कार है जो पत्थर पर लकीर है हमें ये आइडेंटिफाई करना है हमारे ऐसे कौन से संस्कार है जो मैट्रेस में चले गए हैं इतने गहरे उसको उसी गहराई में जाकर निकालना होगा दमन से नहीं निकलेंगे केवल लॉजिक से नहीं निकलेंगे पश्चाताप करते रहो दुखी होते रहो ऐसा क्यों ऐसा क्यों कहने से नहीं उसको एक्सेप्ट करने से उसको समझने से उसके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने से उसके ऊपर काम करने से प्यार से वो निकलेंगे जबरदस्ती करोगे तो और गहरे होते हैं वो तो हम किस पॉइंट पर थे पांच शीश स्वभाव संस्कार तीसरा चौथा परिस्थितियाँ बाहर है आएगी जाएगी आएगी जाएगी हापुड़ में इतना हंगामा हुआ वो सारी खबरें मम्मा बाबा तक आती रहती थी ये हुआ वो किया वो लोगों ने क्या क्या कर दिया सेंटर को ताला लगा दिया नल बंद कर दिया पानी का सप्लाई बंद कर दिया वो भाई थे उसके गले में सांप डाल दिया बहुत सताया इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी कितना विरोध हुआ कितना विरोध कितना विरोध जबकि भगवान साथ है फिर भी विरोध ब्रह्मा को यह पता है कि मैं जो कर रहा हूँ राइट है और मैं कर ही नहीं रहा हूँ वो करा रहा है फिर भी लोगों का इतनी गालियां दी लोगों ने जहां जहाँ ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम हो रहे थे बाहर लोग खड़े हो जाते ब्रह्मा कुमारी पाखंड के पर्चे बांटते हुए लोगों ने विरोध किया प्रेस ने विरोध किया गवर्नमेंट ने विरोध किया समाज ने विरोध किया गालियाँ दी क्या कुछ किया जो अवेलेबल लिटरेचर है हमारे पास विरोध का उससे कई गुना अधिक विरोध हुआ है यह संस्था और वो विरोध 80s के मिडल तक चलता रहा एटीज के बाद में जब विंग्स बनी तब वो धीरे धीरे कम हुआ तब तक तो लाख सफेद ड्रेस पहनी हुई ब्रह्मा कुमारी दिखी कि दरवाजा बंद ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले ये आ गए ओम शांति वाले ये आ गए जादू टोना करने वाले ये क्रिश्चियन बनाती है कुछ कुछ लोग ऐसा भी कहते थे उन्हें क्या पता ये कौन है स्वामी विवेकानंद ने अपने एक लेक्चर में कहा है कि हर वो देश जिसने नारी की पूजा नहीं की वो कभी भी महान नहीं बन पाया उन्होंने लिखा मैं इस धरती के दोनों गोलार्ध पर घूमा हूँ सब जगह घूमा हूं और मैंने सारी दुनिया में देखा कि जिस जिस देश में नारी की पूजा हो रही है वो देश ही महान हुआ है और भारत तो वो देश है संगमित्रा जहां हुई अहिल्याबाई जहां हुई मीरा जहां हुई सावित्री दमयंती जहां हुई ऐसी गार्गी मैत्री जहां हुई वो ये देश तो परिस्थितियों में अचल अडोल संगदोष इसके प्रभाव में नहीं आना है जिन आत्माओं को पुरुषार्थ में बहुत कम इंटरेस्ट है और सारा इंटरेस्ट केवल सेवाओं में है उनसे बहुत खतरा है क्योंकि वहाँ बाह्य मुक्ता बहुत है और जब परिस्थिति आती है तो दुखी हो जाते हैं हमने अपनी आंखों से इतने सारी ऐसी आत्माओं को देखा है हॉस्पिटल में जब वो लंबे समय से ज्ञान में है और पर जब बीमार पड़ जाती है तो बहुत निराश हो जाती है कोई एक आत्मा इतनी तीस चालीस साल सेवाएँ की सब कुछ किया बीमार पड़ी सेवाधारी था वो घर चला गया फिर कोई नहीं था इतना दुख इतना दुख इतनी निगेटिविटी इतनी निगेटिविटी भर गई क्योंकि ये वो कैटेगरी है जिन्होंने दिन रात केवल सेवाएं की ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है चिंतन में इंटरेस्ट नहीं है मनन में इंटरेस्ट नहीं है योग में इंटरेस्ट नहीं है केवल सेवा 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 ये भूल गए कि सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी यहां तक कि हमने उनको जब अंत समय था ये भी कहते हुए सुना उनके शरीर छोड़ने से एक दो दिन पहले आज शादी कर ली होती तो बच्चे बिभी होते ये अवस्था थी बाबा का नाम निशान नहीं था बाबा मुख में शब्द ही नहीं था ये भी ब्राह्मणों की स्थिति है इसलिए सेवाओं के जंगल में तपस्या खोना जाए सेवा कॉन्शियसनेस वर्क कॉन्शियसनेस वर्कोहोलिज्म सेवा 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 हो वर्क 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 वो भी आवश्यक है वो भी जरूरी है परंतु स्व सेवा वो छोड़ के अगर कर रहे हो तो डिस्टर्बेंस होगा किसी अव्यक्तवाणी में सेवेंटी नाइन की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है सेवा ही है जो तुम्हें संसार से वैराग्य दिलाएगी और उसी मुरली में बाबा ने कहा है ये सेवा ही है जो तुम्हारा वैराग्य नष्ट कर देगी यदि उस सेवा में बाह्य मुक्ता है स्वार्थ है यदि उस सेवा में मन मुटाव है संघर्ष है टकराव है खुशी गायब हो रही है सेवा नष्ट कर देती है अंदर अगर ये सब हो रहा है तो इसलिए फर्स्ट स्टॉप, पहले भीतर स्थिति को स्थिर करो इसलिए बीच बीच में जैसे अभी भट्टी में आए जैसे मधुबन में भट्टी में आते वैसी खुद की खुद की स्वयं की भट्टी लगाओ जो आजू बाजू वालों को भी पता ना चले इतनी सूक्ष्म इतनी गुप्त तीन दिन का खुद का शिविर लगाओ स्व शिविर तीन दिन की खुद की भट्टी करो एक दिन की खुद की भट्टी करो कि आज सारे दिन मुझे अव्यक्त वाणी का अध्ययन करना है मौन रहना है हो सके तो कोई खास सेवा है नहीं बीच बीच का समय तो आता ही है सेंटरों पर जब कुछ नहीं रहता है जो रहता है सुबह रहता है थोड़ा बहुत शाम को थोड़ा बहुत उस समय अपनी स्थिति को बनाना है हम एक सेंटर पर गए थे वहां का भाई बता रहा था बहुत पहले कि हमारे सेंटर में पिछले तीन साल तीन तीस साल से एक भी विघ्न नहीं आया हमने कहा ये कैसे वो भाई कह रहा था हमारी जो बहन जी है ना उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट केवल योग में है मैंने इतने सालों में मैं ही बीस साल से हूं यहां पर एक दिन भी नुमा शाम का योग मिस करते नहीं देखा उसको सामने वो बैठती है संली पर बैठ के स्टूडेंट्स को योग कराती सेवा बाद में सेवा प्रायोरिटी नहीं है और ये भी देखा गया कि वायुमंडल इतना शक्तिशाली है हमने खुद ही अनुभव किया वहां पर कि वहां पर अपने आप ही सब कुछ हो रहा है ऐसा नहीं कि सेवा नहीं हो रही है सेवा ही वास्तव में वहां हो रही है वो जगह जहां पर आपस में ही मनमुटाव चल रहा है हम दूसरी आत्माओं को कैसे शांति अनुभव कराएंगे अंदर के ही द्वंद्व चल रहा है आंतरिक द्वंद्व आंतरिक कलह और ऊपर से दूसरी आत्माएं आ रही चाहे कोर्स के लिए आ रही है चाहे प्रोग्राम कर रहे ऊपर से तो दिखेगा एक लाख लोग आ गए फोटो पब्लिश कर दिए सारे इधर पब्लिसिटी कर दी और सब जगह मैगजीन में आ गया पर क्वालिटी क्वालिटी दादियों ने कैसी सेवा की जिन आत्माओं की सेवा की उनको कहाँ आर पार तीर लग गया उनके पास ज्ञान का इतना विस्तार था क्या इतने चित्र थे क्या इतने बड़े बड़ बड़े सेंटर थे क्या कुछ भी नहीं था था तो निश्चय था तो स्थिति था तो पवित्रता था, था तो एक लगन दैट्स इट कितनी मौन भट्टिया होती थी अभी इस यज्ञ में एक चीज मिसिंग है और वो है साइलेंस रिट्रीट वो विदेश में बहुत होती है पर भारत में हमारी रिट्रीट हमारी भट्टिया मतलब क्लासेस आवाज है उसमें मौन भट्टिया परंतु अभी विस्तार इतना हो रहा है कि वो संभव नहीं है पर हम खुद की तो कर सकते हैं खुद की ही खुद भट्टी साइलेंस रिट्रीट उसमें पढ़ना कुछ नहीं होगा कितना पढ़ोगे सारी मुरलिया पता है उसमें क्या पढ़ने वाले है जो क्लास सुनने वाले पहले ही पता है वो क्या बताने वाला है यहाँ तक सबको सब इतने पुराने हैं सब तो सबको सब पता है ज्ञानियों को ज्ञान कौन देगा कौन क्लास कराएगा फिर भी वो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है परंतु अपनी खुद की भट्टी लगानी है तो कहाँ थे हम पांच सांप उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट वो पांच साप वाला शंकर वो भी एक पॉइंट है ट्वेल्थ दो शक्तियां दो बातें कौन सी दो शक्तियां सहन करना और सामना करना ये किस में दिखे बोल और मन में नहीं किस में कर्म में सहन करना सहन करना जो उस दिन भी सुना रहे थे दादी प्रकाश मणि बैठे थे बाजू में एक बहन बैठी थी एक दूसरी बहन आई और दादी को कुछ बहुत सुनाने लगी नॉन स्टॉप कुछ कुछ सुना दादी आप ये ठीक नहीं करते वो ठीक नहीं करते पार्शलिटी करते हो ऐसा करते हो वैसा करते हो इतना सुनाने लगी ब्रेथलेस ये ठीक नहीं है आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए ऐसा और वो सब सुना के चली गई जो दादी चुप बाजू में बहन बैठी थी वो कहती दादी आपको क्या क्या बोला उसने आपने कुछ तो बोलना चाहिए था कुछ तो एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए था कुछ तो उसको समझाना चाहिए था बिठा के कुछ तो उसे आपने कुछ भी नहीं कहा दादी ने कहा मैंने कुछ सुना ही नहीं मुट्ठी मैंने कुछ भी नहीं सुना सुना कैसे नहीं आपके सामने उसने सुनाया आपके कान खुले थे दादी ने कहा वो जब बोल रही थी तब मैं बाबा के पास चली गई थी तीन पास सीन से पास करो परिस्थिति आती है परीक्षाओं को पास करो और बाप के पास रहो इट इतना धैर्य धीरज दादी जानकी की एक क्लास थी ओम शांति भवन में दादी कह रही थी ब्राह्मणों में एक शक्ति की कमी है इंसल्ट को सहन करने की शक्ति कौन सी शक्ति इंसल्ट को सहन करने की शक्ति कोई तो इंसल्ट करता रहा विरोध करता रहा कमेंट्स करते रहे कंटिन्यूस बोलता रहा उसको सहना यह बहुत बड़ी तपस्या है बहुत बड़ी तो यह दो बात है उसके बाद में चार बात है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप उसमें नयनों से क्या करना है दूसरों को अनुभव कराना है नयनों से दूसरा किससे क्या क्या कराओ सबने मुरली पड़ी है ना बोल से दूसरों को समर्थ बनाओ मन बुद्धि से मन से श्रेष्ठ संकल्प बुद्धि से निर्णय शक्ति का वायुमंडल से वायुमंडल और चौथा चलन से फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति ये चार चलता फिरता समर्थ स्वरूप ये चार बातें उसके बाद में पॉइंट नंबर फोर्टीन सूक्ष्म वतन की दूसरी सीन क्या क्या था तीन बातें थी पहाड़ सागर और बगीचा बगीचा में घूमो पहाड़ पर बैठो और सागर की लहरों में लहराओ क्रिकेट नो क्रिकेट बैट बॉल नहीं बोला है ना तो ये काम करो सूक्ष्म वतन में सागर है कहा सूक्ष्म वतन तो कल अमृत वेला उस सागर में जाके लहरों में लहराओ पहाड़ पर जाकर बैठो और बगीचे में घूमो फिफ्टींथ माताएं के लिए क्या वाक्य है जो पहले भी बोला इस किसकी विशेषता है डैश की विशेषता है यज्ञ की परिवार की यूनिवर्सिटी की कॉलेज की स्कूल की किसकी यज्ञ की यूनिवर्सिटी की? की बाबा ने कहा लोगों को आश्चर्य लोकता है ये माता है देवियां बन गई कैसे बन गई पता नहीं ये माता क्या बन गई देविया अव्यक्त महावाक्य है बाबा के जिस सेंटर पर माता है बहुत है वहां डैश और डैश भरपूर रहेगा कौन बताएगा भंडारा और भंडारी क्यों अनपढ़ माता है धन भी नहीं लेके आती है और उनके लिए ये कहा है कौन सी माता है जो गरीब है अभी अभी मुरली चली तो न टांगे चलती नहीं फिर भी मधुबन में आ गई नब्बे साल वाली आ गई बूढ़ी आ गई अनपढ़ आ गई अभी तीन हफ तीन संडे पहले मुरली थी ना ऐसी एक मधुबन में आ गए सबके सब अब वो माता है उनकी वजह से क्योंकि उनमें क्या है एक लगन है उनमें क्या है सच्ची दिल है वो माता है तो जहां माता है बहुत है सेंटर पर वहां पर क्या भरपूर है भंडारा और भंडारी अपने आप उनकी लगन ही वो काम करेगी नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा जो छोटे हैं उनका क्या करो पालना क्या करो उनकी पालना करो शक्तियों से पालना करो शक्तियों के सहयोग से पालना करो शक्तिशाली उनको बनाओ तुम जो सेवा करोगे वो साधारण सेवा नहीं शक्तिशाली सेवा करो उनकी कमी नहीं देखो उनकी कमजोरी नहीं देखो और दो बातें याद रखनी है जो हमें अचलडोल अच्छा बना देगी पॉइंट नंबर वन इस यज्ञ में जो आत्माएं आ रही है संसार की सबसे कमजोर आत्माएं आ रही है जिन्होंने चौरासी जन्म लिए है तो डोंट एक्सपेक्ट कि संपूर्ण सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम ही प्रकट होकर आएंगे यहाँ जो आ रहे हैं कौन आ रहे है कमजोर आत्मा है पतित आत्मा है इतने जन्म लिए हैं उन्होंने संसार की आत्मा है शक्तिशाली है जब आ रहे है कमजोरी है ना सारे इतने जन्म लिए है फिर यहाँ आकर उनको याद दिलाया जाता है सम्मान दिए जाते हैं स्मृति दी जाती है तब उनको फिर पावर आती है धीरे धीरे पर वो संस्कार इतने जल्दी जाएंगे नहीं वो रहते हैं साथ में वो चलते हैं साथ में जैसे वो साइकिल होती है ना वो खड़ी हुई साइकिल ट्रेडमिल वो उसका चलाओ चलाओ और फिर कूद जाओ वो अपने आप चलते रहेगा साइकिल चला नहीं रहे पर द मोमेंटम विल कीप ऑन हैपनिंग उसी तरह वो संस्कार को रोक दिया कुछ नहीं कर रहे पर वो संस्कार फिर भी थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा कुछ समय फिर नष्ट हो जाएगा एक ये पॉइंट सेकंड पॉइंट इतना बड़ा यज्ञ हजारों बातें होगी इसमें कि हम डिस्टर्ब होते रहे एक स्कूल होती है सबसे बेस्ट स्कूल है संसार की उसमें भी दो तीन छात्र तो निकलेंगे ही ना रैगिंग वाले चीटिंग वाले कुछ तो करेंगे कुछ तो होगा कि नहीं वैसे ये सबसे बेस्ट स्कूल है संसार की भगवान द्वारा स्थापित की हुई पर इतना विस्तार है इसका इतना ह्यूज विराट इसका रूप है कि इसमें भी ढेर सारी छोटी छोटी बातें होती रहेगी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहेगी कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा तो डिस्टर्ब थोड़ी ना होना है लास्ट पॉइंट दिल की आवाज बाप तक पहुंचती है पत्र आए मेल आए सब आया ईमेल क्या क्या है और बोल लेटर सब और बाप तक पहुँचता क्या है जो दिल की आवाज़ है वही पहुँचती है बाकी नहीं पहुँचती वो एक ही आवाज़ उस तक पहुँचती है सच्ची आवाज़ चाहिए संगम भवन वालों से मुलाकात की बाबा ने दौड़ते हैं चलते हैं संतुष्ट करते हैं जागते हैं उनकी भी सेवा कम नहीं कभी एक बार बाबा संगम भवन वालों को उठाया वो सभा में थे ही नहीं जो बैठे हैं उनको याद नहीं कर रहा है भगवान किनको याद कर रहे हैं जो सभा में ही नहीं है वो वहां है रिसीव कर रहे हैं लोगों को भाई बहनों को सेवा में लगे हैं, तो ये ना समझना कि ऊपर ऊपर घूम रहे हैं तो बाबा की नजर में जो तुम्हारी नज़र में है वो बाप की नज़र में नहीं है ये कितनी खुशी होती है कि ट्रेन से उतरो और सामान सारे भाई बहने हैं खुशी होती है देखकर। वो ट्रेन से ही जैसे जैसे ट्रेन आबू रोड पहुँचती है झाड़ दिखने लगते हैं दिव्य गुणों की खान है मधुबन कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है ये लगन लगती है और उसमें से वो लोग दिख जाते हैं और सोचो बारह बजे पहुंच रहे रात को फिर भी कोई लेने आया है दो बजे पहुंच रहे फिर भी कोई तो है बस है तो ये सेवा है उनका त्याग है और लास्ट में मुलाकात की विदेशियों से क्या कहा दीवारे बड़ी बड़ी दीवारें लांग कर आए कल्चर कौन सा कल्चर था कहाँ जन्म लिए थे हिप्पी कल्चर क्या क्या थे बड़े बड़े बाल क्या क्या वेशभूषा थी क्या उनकी मान्यताएं थी वो सब छोड़कर ब्राह्मण कल्चर में आ गए ऐसे कैसे ऐसे कैसे माला पहनने और पहनने पहनाने वाले बच्चों को ऐसे गीत गाने वाले बच्चों को और वो गीत बाप तक पहुंचाने वाले बच्चों को ऐसे ताज तख्त और तिलकधारी बच्चों को ऐसे सूक्ष्म वतन में बाप से शाबाशी लेने वाले बच्चों को ऐसे बाप से वाह 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 लेने वाले बच्चों को ऐसे ऐसे पांच नागों के ऊपर बा पाँच नाग नहीं पाँच फन पाँच शीश वाले नाग के ऊपर डांस करने वाले बच्चों को और पांच वो शेष सैया पर लेटने वाले बच्चों को और वो गले में तपस्वी देव अशरीरी देव, फरिश्ता महादेव बच्चों को तुम महादेव हो ऐसे 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 सहन शक्ति समाने की शक्ति धारण करने वाले बच्चों को ऐसे सर्व शक्तियों की समर्थी स्वरूप बच्चों को ऐसे नैनों से अनुभव कराने वाले बोल से अनुभव कराने वाले बोल से समर्थ बनाने वाले ऐसे ऐसे मन बुद्धि से एकाग्रता की श्रेष्ठ शक्ति श्रेष्ठ संकल्प और निर्णय शक्ति वायुमंडल में फैलाने वाले बच्चों को ऐसे ऐसे चलन से चलता फिरता समर्थ स्वरूप बच्चों को ऐसे ऐसे चलते हुए चलते चलने वाले बैठने चलने वाले संतुष्ट करने वाले दौड़ने वाले जागने वाले बच्चों को ऐसे कल्चर की दीवार लांग कर यहाँ आने वाले बच्चों को ऐसे अपनी विशेषताओं को प्रभु देन समझने वाली आत्माओं को ऐसे 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 दिल से दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है ऐसे ऐसे कमल समान आत्माओं को जिसमें देहभान जरा भी आकर्षित नहीं करे स्वतः सहज नेचुरल स्थिति ही आत्माभिमान की है ऐसे कमल समान आत्माओं को ऐसे ऐसे सच्चे दिल से सच्चे दिल से क्या मन का कचरा अच्छा सब कुछ बाप पर डालने वाले ऐसे समग्र समर्पण वाली आत्माओं को ऐसे हाइट में ऊंची आत्माओं को ऐसे एज में स्थिति में ऊंची वाली आत्माओं को ऐसे औहे स्थिति रूपी में ऊंची आत्माओं को ऐसे गार्डन में घूमने वाली आत्माओं को सागर की लहरों में लहराने वाली आत्माओं को और पहाड़ पर बैठने वाली आत्माओं को ऐसे अधिकारी आत्मा सेकंड में अधिकारी बनने वाली आत्माओं को ऐसे हर शक्ति को हर शक्ति को क्या दूसरों को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को शक्तियों की पालना देने वाली आत्माओं की उनकी कमियों को न देखने वाली आत्माओं को ज्ञान का ज्यादा डिस्कशन न करने वाली आत्माओं को शक्ति की आवश्यकता है शक्त? शक्ति देने वाली आत्माओं को शक्तियों के सहयोग देने वाली आत्माओं को हिम्मत देने वाली आत्माओं को उल्लास देने वाली आत्माओं को ब्राह्मणों की को सहयोग देने वाली आत्माओं को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान हे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को शक्तिवान नहीं हे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को ऐसे प्रकृति माया परिस्थिति संगदोष स्वभाव संस्कार के ऊपर डांस करने वाली आत्माओं को छोटे बच्चों की पालना करने वाली आत्माओं को ऐसे शस्त्रों को साथ रखने वाली आत्माओं को ऐसे बहुत सारे समानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और गुड याद प्यार और गुड नाइट हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते हम